अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल दानिश अली। तो जी दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हमने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो हमने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो आज हम आपको बताएंगे कि फैमिली विज़िट वीज़े का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। कफ़ील ने फैमिली विज़िट वीज़ा गुरफा तजारियाँ कर दिया हैं या अभी बाकी है, तो हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इसका स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए जाना पड़ेगा आपको वीडियो की तरफ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। तो जी दोस्तों, हम चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर। ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है mofa.visa.ks। लिखने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर में लिखा होगा मनसा खिदमात तशीरा इलेक्ट्रॉनिया वजारत अल खारजिया, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ आपने सबसे ऊपर अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपने एप्लीकेशन भेजी हुई थी उसका नंबर आपको उसके ऊपर दिया होगा, तो आपने एप्लीकेशन नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे लिखा होगा आईडी नंबर। आईडी नंबर मतलब आपने अपना यहाँ इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद नीचे लिखा होगा कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड आपने ध्यान से देख लेना है। जो जो यहाँ लिखा हुआ है हिंसा, आपने वो सेम यहाँ से देख के इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो हमने एप्लीकेशन भेजी हुई थी वो हमारी स्क्रीन के ऊपर ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ देखें, लिखा हुआ है जहाज तस्दीक, हमारे कफील ने वो तस्दीक कर दिया है। तो तस्दीक करने के बाद आपने दो तीन दिन के बाद फिर इसी तरह इस पेज को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद जहां रकम तलब लिखा हुआ है यहां वीज़ा नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो मिलते हैं वे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज दोस्त।